पापी यानी शुद्ध के रूप में लेकर के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक माना, वह योगी हो, सन्यासी हो, सदग्रस्त हो, कोई भी सामान्य जीवन है, अगर किसी को स्वस्थ जीवन जीना है तो उसे शुद्धि का ध्यान रखना होगा। और शुद्धि आंतरिक हो या बाह्य, इन दोनों प्रकार की शुद्धि हरेक मनुष्य के लिए हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में आवश्यक है। और इसके बाद जो उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा योग के वास्तव में 7 आयाम है, उन्होंने 8 नहीं कहा। उन्होंने कहा शुद्धि तो सबके लिए आवश्यक है, इसलिए यम और नियम ये मानव मात्र के लिए, मनुष्य अगर इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कृति है तो शुद्धि उसके लिए आवश्यक है, उसके जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन योग की उच्च सोपान तक पहुंचने के लिए, चेतना के उन आयामों को प्राप्त करने के लिए, जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करने के लिए जो प्रमुख 7 आयाम हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्थम सप्त साधनम। यानी इस घट के शरीर के 7 साधन हैं, और वे 7 साधन क्या? शोधन, इस शरीर का शुद्धि। इस शुद्धि एक सामान्य जीवन में यम और नियम का पालन करके भी हम कर सकते हैं, और शोधन के लिए उन्होंने खट कर्म दिए। जैसे आयुर्वेद में हम पंच कर्म की बात करते हैं, वैसे ही योग में खट कर्म होते हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौनी, त्राटक, कपाल भाती। शोधन की इन 6 क्रियाओं को ध्यान में रख करके, शोधनम दृढ़ता चेव, दृढ़ता, दृढ़ता के लिए आसन, आसन का नियमित अभ्यास, स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए आसन का अभ्यास, स्थिरता के लिए प्राणायाम का अभ्यास, धैर्य के लिए प्रत्याहार की क्रियाओं का अभ्यास, ये जो 7 क्रियाएं हैं, शोधन इसके साथ जोड़ करके बाकी आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और निर्लिप्तता यानी समाधि की उस स्थिति के लिए प्राप्त करना, निर्लिप्तता की उस स्थिति को प्राप्त करना, ये 7 साधन उन्होंने इसके लिए फिर योग के माध्यम से दिए। और ये व्यावहारिक योग ही हठ योग कहलाया। हठ योग का मतलब हठात नहीं, हठात से नहीं है, ये वास्तव में प्राणों की एक साधना है। हकारः कीर्तिति सूर्यस्य, हकारः चंद्र उच्यते, यानी हकार आपकी 2 नाड़ी है, 2 नासिकाएं हैं, एक दाया स्वर है, सूर्य का प्रतीक है, एक बाया स्वर है, यह चंद्र का प्रतीक है, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना, यही हठ योग है। आप प्राणायाम करते होंगे, सामान्य रूप से आप देखते होंगे, आप एक आसन, एक नाक आपकी चलती है, एक नाक बंद होती है, कभी एक चलती है दूसरी बंद होती है, कभी दूसरी चलती है पहली बंद होती है, बहुत कम समय ऐसे आता जब आपकी दोनों नासिकाएं एक साथ चल रही हो। उसका अपना प्रभाव है, उसका अपना अभ्यास है, प्राणायाम के माध्यम से हम उसी को, अपने आप को नियंत्रित करते हैं। और गोरखनाथ जी इसी बात को कहते हैं कि भाई अगर आपको मन की वृत्तियों को चंचल करना है, चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना है, तो मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? उन्होंने कहा मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन वह बहुत आसान हो जाता है जब आप प्राणायाम, अपने प्राणों को साध लें, क्योंकि जीने के लिए प्राण आवश्यक है, और इसलिए प्राणों को साध करके अगर आप प्राणायाम को नियंत्रित कर लें तो वह नियंत्रित प्राणायाम आपकी चंचल वृत्तियों को भी नियंत्रित कर लेगा। ये अनेक ऐसी क्रियाएं उन्होंने की,
हर देश हर काल हर परिस्थिति के लिए उतनी साधनाएं विकसित की। हिंदी के सुख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत ने जब ओशो से इस बारे में पूछा कि वास्तव में भारत के चार जीवंत नक्षत्र कौन हैं जिन पर भारत का आध्यात्मिक भविष्य टिका है, तो उन्होंने जिन चार लोगों के नाम, जिन चार मानवों के नाम लिए थे, उन चार में से एक गोरखनाथ का नाम लिया था। इसलिए लिया, उन्होंने कहा, क्योंकि गोरख के बगैर भारत की आध्यात्मिक परंपरा शून्य है। मलिक मोहम्मद जैसी इसी बात को लेकर के कहते हैं कि योगी सिद्ध हुई तब जब गोरख सो भेंट, वैसे ही नहीं कहे। मलिक मोहम्मद जैसी तो एक मुस्लिम सूफी थे, लेकिन उन्होंने गोरखनाथ का मंदिर अपने यहां बनाया है। अमेठी में आप जाइए तो उन्होंने गोरखनाथ का मंदिर वहां बनाया है। ये परंपराएं किस रूप में आगे बढ़ी है, हमें इतिहास की दृष्टि से हम देखेंगे तो हम भ्रम में पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग काल खंडों में उनकी विद्यमानता हम लोगों को स्वयं भ्रमित कर देगी। और यही कारण है कि नाथ संप्रदाय उन्हें एक अमरकाय अयोनिस योगी के रूप में मान्यता देकर के उन्हें उसी रूप में साक्षात शिव के रूप में ही उनकी आराधना करता है, उनके साथ अपने आप को जोड़ता है। लेकिन उनका दृष्टिकोण लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है। अपने देश के अंदर जहां कहीं भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए स्थल बिखरे पड़े हैं, नाथ योगियों से जुड़े हुए स्थल पड़े पड़े हैं, बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र है उनका। उसमें कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है, मानव कल्याण का दृष्टिकोण है। उसमें जातीयता का बंधन नहीं है, क्षेत्रीयता का बंधन भी नहीं है, भाषाई बंधन भी नहीं है। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप तिब्बत में जाएंगे वहां की भाषा में गोरखनाथ का साहित्य आपको मिलेगा, नेपाल में जाइए नेपाली में आपको मिलेगा, आप भूटान में जाएंगे वहां की भाषा में मिलेगा, बांग्लादेश में जाएंगे वहां की भाषा में मिलेगा, असम में जाएंगे असमी में, त्रिपुरा में जाएंगे त्रिपुरी में, उड़िया में, उड़ीसा में जाएंगे उड़िया में, तमिल में जाएंगे तमिलनाडु में जाएंगे तमिल में, गुजरात में जाएंगे गुजराती में, राजस्थान में जाएंगे राजस्थानी में। लोक परंपरा और लोक गाथाओं में भरा पड़ा है महर्षि गोरखनाथ जी से जुड़े हुए और नाथ सिद्धों और नाथ संतों से जुड़ा हुआ एक वृतांत। और मुझे लगता है कि इस सब पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पर्थवाल ने जब गोरख वाणी को संकलित किया होगा, हिंदी साहित्य के लिए एक अमोल रत्न जब गोरखनाथ जी की शब्द और पदों के माध्यम से उन्होंने उसको उजागर किया होगा, हिंदी का जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, वह उसके महत्व को समझ सकता है। इतना साहित्य भरा पड़ा है आज भी, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 दर्जन से अधिक साहित्य केवल गोरखनाथ जी का, ये गोरखनाथ मंदिर के ही प्रकाशन से प्रकाशित है। अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे, तमिलनाडु में गोरखनाथ जी की उपस्थिति और उनसे जुड़े हुए स्थान है। ये मुझे 1994 में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के आर नुजंडन की एक पुस्तक से उपलब्ध हुआ था, जब उन्होंने महायोगी गोरखनाथ पर एक पुस्तक लिखी थी। लेकिन हरेक स्तर पर, हरेक बृहत्तर भारत के अंदर, हरेक जगह आपको उनकी विद्यमानता हरेक रूप में देखने को मिल सकती है, और लोग उस रूप में उन्हें मान्यता देते हैं, उस स्थान पर उस रूप में आप उनको मान्य कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर महायोगी गोरखनाथ जी जुड़े इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पर हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति इस अवसर पर यहाँ पर हुई है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय
महायोगी गोरखनाथ पीठ के माध्यम से जिस एक कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, आप सभी विद्वजनों के विचार जब उसमें आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या कार्य हुआ है, इन सब कार्यों के जोड़ेंगे। हमारे निशंक जी उत्तराखंड से जुड़े हैं, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी शानदार पारी उत्तराखंड में रही है। और उत्तराखंड में एक प्रथा है जागर प्रथा। ये जागर प्रथा कोई और प्रथा नहीं, ये गोरखनाथ जी के ही जागरण की प्रथा है। जैसे हम भगवती जागरण का कार्यक्रम करते हैं, वैसे ही उत्तराखंड में जागर की जो प्रथा है, ये महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, उनके साथ साथ उपस्थिति का आभास करने करने वाली एक परंपरा है। और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास इस प्रकार की स्थिति होती है कि वे इन सब कार्यों को वहां पर करते हुए आज भी दिखाई देते हैं। हमने स्वयं अपने बचपन में इस बात को साक्षात अनुभव किया। आज साधन हुए हैं, आज वहां पे बहुत सारी चीजें चली हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा है कि बचपन में गांवों में जब लोग रहते थे, साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, दूर संचार के भी साधन नहीं थे, व्यक्ति बीमार होता था, जागर प्रथा आयोजित होती थी और उस प्रथा के माध्यम से उपस्थिति, किसी एक व्यक्ति पर उनका प्रकटीकरण होना, फिर उसके द्वारा जो बात कही जाती थी वह बात अक्सर सिद्ध सही होती भी दिखाई देती थी। और ये परंपरा आज भी वहां मौजूद है। इसके उस रहस्य को जानने और इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने गोरखपुर में भी इस बात को विश्वविद्यालय को कहा था, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ गोरखनाथ पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। देश और दुनिया में बिखरे उस साहित्य को एकजुट करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उसको प्रस्तुत करना, ये है, इस पर कार्य करो, ये है आपकी विरासत, ये है आपकी परंपरा। ये सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठी होंगी तो हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आप सभी विद्वजन अगर उस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसे आगे बढ़ा पाएंगे तो मुझे लगता है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय हम करने में सफल होंगे। मैं इस पूरी गोष्ठी के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। हम सब जानते हैं कि हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी मौजूद हैं और वो जिस प्रकार